बोला लक्ष्मी लक्ष्मी मुझे छोड़ दो प्लीज जाने दो मुझे छोड़ साला मुझसे पंगा लिया होता तो कर्मा तेरा हिसाब करता लेकिन तूने मेरे अपनों से पंगा लिया अब मैं कर्मा हूँ पंकज अब मैं तेरा हिसाब करूंगी बाबा आप घर कब आ रहे हैं हमारी नई बिल्डिंग की स्थापना है पूजा करवानी हाँ बस दो दिन में पहुंच जाऊंगा पूजा सामग्री की लिस्ट मैं अभी भेज दूंगा और सुनो पूजा में पूरा परिवार होगा तो ही लाभ की प्राप्ति होगी जी बाबा आप बस आ जाइए हाँ आता हूँ मैं पंकज सर पंकज आ जाया नहीं है उसका फोन भी बंद आ रहा है शराब पीकर कहीं नशे की हालत में पड़ा होगा भाई होश आने पर खुद ही वापस आ जाएगा ऐसा तो पहले कभी किया नहीं वो हमारा गीजर खराब हो गया आपका बाथरूम यूज कर लूं आसिफ आसिफ जी कल रात को आप टेरेस पे चूड़ियां पहन के क्या कर रहे थे डॉक्टर को दिखा लो मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन मेरी बात कौन मानेगा ये तो मना कर रहे हैं कि वो था ही नहीं मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा लेकिन मुझे यकीन है ये वही था मुझे यकीन है क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर मैं शैम्पू भूल गया हूँ इस्तेमाल मत करना बताना तो जरूरी है ना जरूरी ये, है। ये। पता है पूरे बाथरूम में हल्दी फैला के रखी थी मेरा पैर गिर गया और मैं फिसल
निकलने वाली थी, लेकिन इसे ये देखो आराम से बैठिए। तुम्हें पता है तुम्हारे आसिफ ने मेरे बाथरूम में क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? मेरे बाथरूम में वो नहाने गए थे, वहां पर मैंने हल्दी की कटोरी रखी थी, उन्होंने पूरी हल्दी अपने बदन पर लगा ली। मैं कह रही हूँ रश्मि कुछ तो गड़बड़ है। मामा ये क्या कह रही है? कल से कह रही है कि ये सब चूड़ी 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 पता है कल रात को चूड़ियां पहन के डांस कर रहा था कसम से, और साड़ी की दुकान में लड़कियों की तरह साड़ी लपेट रहा था। मुझे लाता मारा। कसम से। आप लोगों को मेरा आसिफ पसंद नहीं है ना, तो साफ साफ कह दो, पर ऐसे उन पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अरे हम क्यों उसमें झूठे इल्जाम लगाएंगे? अबे मतलब मैं कहने जा रही थी कि एक आइडिया है। हाँ। मेरे पास ना एक आइडिया है। कहाँ गया आसिफ? बताओ ना कहाँ गया। क्यों? बताओ ना प्लीज। वो खलील से मिलने गया है, शाम तक आ जाएंगे। वेरी गुड। जब वो आएंगे ना तो हम उनको गेस्ट बाथरूम में नहाने के लिए भेजेंगे। हाँ। वहाँ पर मैं रखूंगी हल्दी की कटोरी, फिर देखना कैसे हल्दी मल मल के नहाता है तुम्हारा आसिफ। देखिए आपकी बात उठाने के लिए नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा। अरे आसिफ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आओ डिनर कर ले। मैं नहा के आ जाता हूँ। आसिफ तुम थक गए होगे, गेस्ट बाथरूम में नहा लो, मैंने कपड़े तुम्हारे अंदर रखे हैं। मेरा शैम्पू कहाँ है? अंदर रख दिया, अंदर। यस, चलो, 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 पापा, चलो रश्मि, चल ना। विश्वास नहीं था ना तुम्हें मेरी बातों पर? देख लो अपने पति की हरकतें। आओ देखो मैं जल्दी। क्या हुआ भाभी जी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सब लोग घूर क्यों रहे हैं? साले साहब, अरे मुझे मत घूरिए, अपने खाने को घूरिए, चलिए मेरे खाने को नजर मत लगाइए। आसिफ, अश्विनी कह रही थी कि तुम परसों रात चूड़ी पहन के छत पर घूम रहे थे। अरे हाँ, सुबह कुछ ऐसे ही कह रही थी ना, मैं कब घूम रहा था? उसने देखा शोरूम में सबके सामने साड़ी पहनी थी तुमने, और अभी बाथरूम में नाक कान हाथ मुंह सब जगह हल्दी लगाई ना। सासू माँ, आज कुछ ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली? हेलो, ये पांव क्यों पीले तुम्हारे?
है? छुपा क्यों रहा है? लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे तुम? झूठ मत बोल, तुझे हल्दी लगा तो हम सबने देखा है। टेरेस पे चूड़ियां पहन के डांस करते हुए मैंने देखा है। ये क्या नौटंकी कर रहे हो आसिफ? पता चल गया। चलो अच्छा है, आओ खाना खाते हैं अभी। आसिफ तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चूड़ी पहन के छत पे नाच रहा है, साड़ी पहन रहा है, हल्दी लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। एक औरत पे हाथ उठाएगा तू? हाँ, अब मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगी, देखते हैं तेरा क्या हाल होता है। दीपक, दीपक, दीपक। क्या रे, तारे दिख रहे हैं? मुंह टेढ़ा हो गया है। ए अश्विनी, तेरा पति है ना? अलकट टेढ़ा है पर तेरा है। मत मारो, जाने दो। नहीं मारू।